गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वास्थ्य क्लासेस। आज है 28 अक्टूबर और आज हम लोग 28 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन्हें कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को आज के करंट अफेयर का फ्री PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्थ्य क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में स्वास्थ्य बीमा के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस ने किसके साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर ए है पेटीएम, ऑप्शन नंबर बी है फ़ोन पे, ऑप्शन नंबर सी है गूगल पे और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गूगल पे। कहने का मतलब ये है कि SBI जनरल ने गूगल पे के साथ अपनी तकनीकी सहयोग की घोषणा की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उपयोगकर्ताओं को गूगल पे ऐप पर त्वरित और परेशानी मुक्त तरीके से SBI जनरल का स्वास्थ्य बीमा खरीदने में सक्षम होगा। और बात करते हैं SBI के बारे में, तो SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हर वर्ष ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 27 अक्टूबर। कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, इट मीन्स WDAH, हर वर्ष 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। और बात करते हैं इस वर्ष की विषय वस्तु के बारे में, तो वर्ष 2021 की विषय वस्तु है योर विंडो टू द वर्ल्ड। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने उन परिवारों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है जिनकी आय 1.80 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। कहने का मतलब ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है जिनकी सत्यापित पारिवारिक आय 1.80 लाख प्रतिवर्ष रुपए से कम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राज्य सरकार की परिवार पहचान पत्र योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक फिल्म 2021 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैयद सुल्तान अहमद। कहने का मतलब ये है कि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और एलेक्सेल आइडियाज़ के MD और मुख्य शिक्षार्थी सैयद सुल्तान अहमद की लघु फिल्म एप्पल एंड ऑरेंजेस ने सर्वश्रेष्ठ सचिव फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किसे कनाडा के नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनीता आनंद, जिनका इमेज आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हाल ही में भारतीय मूल के कनाडा के राजनेता अनीता आनंद को 26 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री जस्टिन टुडे द्वारा कैबिनेट फेरबदल में कनाडा की नई रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। और बात करते हैं कनाडा के बारे में, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा और कनाडा का मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। तो फ्रेंड्स, किसे कनाडा के नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो अनीता आनंद जी को कनाडा के नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस दिन 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया है। तो ऑप्शन नंबर ए है 24 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी है 25 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी है 26 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी है 27 अक्टूबर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 27 अक्टूबर। कहने का मतलब ये है कि हाल ही में 27 अक्टूबर 2021 को भारतीय सेना ने
75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयों के बीच भारत किर्गिस्तान रणनीतिक वार्ता अक्टूबर 2021 में किस शहर में आयोजित की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी है हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयों के बीच पहले भारत किर्गिस्तान रणनीतिक वार्ता 26 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ब्रिटिश सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख 26 अक्टूबर 2021 से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। ब्रिटिश सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख कौन हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मार्क कार्लटन स्मिथ। कहने का मतलब ये है कि हाल ही में ब्रिटिश सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल सर मार्क कार्लटन स्मिथ 26 अक्टूबर 2021 से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में दिल्ली कैबिनेट ने शहर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपनी मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना में किस शहर को जोड़ने की मंजूरी दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है अयोध्या, ऑप्शन नंबर बी है वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी है मथुरा और ऑप्शन नंबर डी है प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अयोध्या। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली कैबिनेट ने शहर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपनी मुफ्त तीर्थयात्रा योजना में अयोध्या को जोड़ने की मंजूरी दे दी है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 23 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी है 26 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी है 27 अक्टूबर। तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस जो है वो हर वर्ष 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इट मीन्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस वो हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो आप लोग का आंसर होगा विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस हर वर्ष 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कल फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।